और अब जरा सा सैर सपाटा भी आपको करवा देते हैं, लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के चमोली और करवाते हैं फूलों की वैली की सैर, जी हाँ, जो इन दिनों खुद में कुदरत का खूबसूरत खजाना समेटे हुए है। और यकीन मानिए ये नजारा देखकर के आपका मन भी वहां जाने के लिए मचल उठेगा। वैसे तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं वेकेशन के लिए, छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है ये अलग बात है। वैसे आपको बता दें कि पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी में अगर आपने एक बार कदम रख दिया तो यहाँ बार बार आने का आपका मन करता है। पहाड़ों की गोद में बसी फूलों की घाटी में सैलानियों के आने का रिकॉर्ड बन रहा है। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अब तक 16,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इसकी तलहटी में नरम नरम फूलों का ये बाग। कुदरत का अद्भुत नजारा, सुकून की चादर ओढ़े इस घाटी में बिताए दो पल भी खास हैं। तभी तो कोरोना काल के सिमटते ही हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये नजारा उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी की है। समुद्र तल से करीब 12,995 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये खूबसूरत फूलों की घाटी करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहाँ 500 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के फूल हैं, जड़ी बूटियां हैं, बड़ी तादाद में हिमालयी जीव जंतु हैं, परिंदे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। यहाँ लोगों का मन मोहने के लिए कलकल करती पुष्पावती नदी है, झरझर झरते झरने हैं। इसके खूबसूरती और अहमियत को देखते हुए ही यूनेस्को ने साल 2005 में इसे विश्व धरोहर माना। पिछले 2 साल तक कोरोना की वजह से घर में सिमटे लोगों ने जब बाहर निकलना शुरू किया तो फूलों की ये सुंदर घाटी भी सैलानियों के आने से गुलजार हो गई। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार पर्यटकों ने यहाँ आने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून को पर्यटकों के लिए खोली गई इस घाटी में अब तक 16,000 से ज्यादा सैलानी पहुँच चुके हैं। सैलानियों की ये तादाद यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2018 में बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ आए थे, लेकिन वो आंकड़ा भी इससे कम ही था। अगस्त महीना फूलों की घाटी का पीक महीना माना जाता है। इसके बाद फूलों की घाटी में ठंड शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फूल खिलने कम हो जाते हैं। कमल एन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।